वीवो ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है vivo.com के ऊपर कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं अपना एक नया स्मार्टफोन जो होगा वीवो Z5X, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में अभी तक इन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन को पकड़ा गया गीक बेंच के ऊपर, जहां पे इसके थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में पता भी चलता है। जैसे कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलेगा, फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, इसके अलावा ये आएगा एक मैसिव बैटरी के साथ। दोस्तों वीवो Z5X आने वाला फुल व्यू डिस्प्ले के साथ, जहां पे आपको मिलेगा 6.3 इंच का डिस्प्ले और फुल HD प्लस इसकी रेजोल्यूशन है। दोस्तों इस डिस्प्ले की खासियत ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगा एक पंच होल सेल्फी कैमरा। तो यहाँ पे सेल्फी कैमरा पॉपअप नहीं करने वाला है, ना ही यहाँ पे आपको वो छोटे से नॉच पे मिलने वाला है, बल्कि सीधा सीधा इसे डिस्प्ले के ऊपर दे दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पीछे की तरफ मिलेगा ट्रिपल कैमरा। अब फिलहाल इसकी रेजोल्यूशन क्या है ये तो पता नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आपको मेन सेंसर के अलावा एक वाइड एंगल सेंसर और एक टेलीफोटो सेंसर भी दे दें। इसके अलावा दोस्तों वीवो Z5X आने वाले 10 नैनोमीटर प्रोसेसर के साथ जो होगा स्नैपड्रैगन 710, जिसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा और पबजी जैसे गेम भी आप इसमें काफी आराम से खेल पाओगे। दोस्तों यहाँ पे बैटरी दी जाएगी 5000 mAh की, जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करेगा और ये माइक्रो USB-C टाइप के साथ आने वाला है। दोस्तों आउट ऑफ बॉक्स वीवो Z5X आने वाला है एंड्रॉइड पाई के साथ, जिसके ऊपर चलेगा इनका खुद का कस्टमाइज UI जो होने वाला है फन टच OS 9.0। रैम और स्टोरेज की बात करें तो इसमें आपको 8GB रैम और 128GB की स्टोरेज मिल सकती है, और इसे लॉन्च किया जा रहा है चाइना में 24th of May को, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 4 दिन बचे हुए, और हो सकता है जून के महीने में ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। दोस्तों फिलहाल इसकी प्राइस क्या होने वाली है कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी प्राइस करीब 24,000 रुपए हो सकती है। तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, अगर ये फोन इसी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होता है इसी प्राइस में, तो ऐसे में आप यहाँ पे वीवो Z5X लेना चाहोगे या